लॉकडाउन त्रासदी के कारण पूरे देश की सड़कें मजदूरों के खून से सनती जा रही हैं। लगातार लॉकडाउन के कारण अपने घरों की तरफ लौटते मजदूर हादसों का शिकार हो रहे हैं। एक ऐसा ही बड़ा हादसा आज भी मध्य प्रदेश के सामने आया। इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के कोरोना मीटर पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में शनिवार तक प्रदेश के 52 जिलों में से 44 जिलों में कोरोना फैल चुका है। तमाम जिलों में कोरोना के नए मामले भी सामने आ रहे हैं और अब कोरोना के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों से जुड़े हैं। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा से लौट रहे मजदूरों में कोरोना के लगातार केस सामने आ रहे हैं। शनिवार को पन्ना में भी कोरोना का एक ऐसा ही मामला सामने आया। इसके पहले कोरोना का एक केस पन्ना में मौजूद था, लेकिन उसकी हाल ही में रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। लेकिन उसकी रिपोर्ट जिस दिन नेगेटिव आई, यानी शनिवार को, उसी दिन पन्ना जिले के गुनौर में एक नया मामला भी सामने आ गया। इस मामले में भी बाहर से लौटे एक व्यक्ति में कोरोना पाया गया है। और अब बात आज की टॉप स्टोरी की। मध्य प्रदेश की तमाम सड़कें मजदूरों के खून से सनती जा रही हैं। तमाम इलाकों से लौट रहे प्रवासी मजदूर अपनी इस जानलेवा यात्रा के दौरान हादसों के शिकार हो रहे हैं। शनिवार की सुबह 9 बजे एक ऐसा ही बड़ा हादसा छतरपुर और सागर जिले की सीमाओं के बीच घटित हुआ। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं, 1 लड़की और 2 पुरुष शामिल हैं। इस दुर्घटना की कुछ हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आप विचलित हो सकते हैं। लेकिन सरकारों को विचलित होना जरूरी है, क्योंकि इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि मजदूर कैसे अपने घरों तक पहुंचने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के एक जूता फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूरों का एक दल, जिसमें लगभग 30 सदस्य शामिल थे, कपड़े से भरे एक ट्रक में सवार होकर लौट रहा था। महाराष्ट्र से इन मजदूरों को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जाना था। सुबह करीब 9 बजे जैसे ही यह ट्रक छतरपुर जिले की सीमा में प्रवेश करता है, छतरपुर की नैनागिर चौकी के समीप एक पुल पर पलट जाता है। इस ट्रक के पलटते वक्त इसमें लगभग 30 लोग मौजूद थे और हादसे में ट्रक के भीतर बैठी महिलाएं सबसे ज्यादा जख्मी हुई। इस हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं, 1 लड़की और 1 पुरुष शामिल था। इसके बाद घायलों में से भी 1 पुरुष की मौत हुई। हादसे की ये तस्वीरें देखकर आप विचलित हो सकते हैं, क्योंकि कुछ माताओं की लाशें इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं और उनके मासूम बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 1.5 से 2 वर्ष है, वो अपनी माताओं की इन लाशों के समीप बिलख रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर शोक जता दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी फिलहाल पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार को इन मजदूरों की जानकारी दे दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वे जहां जिस स्थान पर मौजूद हैं, वहीं से उन्हें घर पहुंचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, वे पैदल ना निकले। लेकिन मजदूर हैं जिनका धैर्य जवाब दे गया है। लॉकडाउन के 45 दिनों तक विभिन्न हिस्सों में फंसे ये मजदूर अपना राशन पानी और पैसा खत्म हो जाने के बाद अपने गांव तक पहुंचना चाहते हैं और इसी जद्दोजहद में ये हादसे सामने आ रहे हैं। छतरपुर जिले के बक्सवाहा के समीप हुए इस हादसे में ग्राम हथपुरा, थाना तिलवापुर, जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से मंसूर अली, यास्मीन अली, चिंकी सलमा खातून, रामशरण यादव, लालवती यादव, गुड़िया खान आदि की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में आलिया, सवीना, जासिया, गुड़िया, संचित, मंसूर अली, अब्दुल कादिर, इरफान अली, वर्षा, सना, पूजा जैसे लगभग 19 लोग जख्मी हुए हैं। बंडा के पास बहुत ही दुखदायी हादसा हुआ है। इसमें महाराष्ट्र से मजदूर आ रहे थे और ये मजदूर उत्तर प्रदेश के थे। बहुत बुरा हादसा हुआ है। 5 लोग मृत हो गए हैं और मृत लोगों के लिए वहीं पर दफनाने की व्यवस्था जिला प्रशासन कर रहा है।
बाकी लोगों को एडमिट किया गया है, उनको अच्छे से अच्छी जो भी बन सकती है वो व्यवस्था सरकार कर रही है, जिला प्रशासन हमारा कर रहा है। और अब मध्य प्रदेश के पूरे कोरोना हाल को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के 52 में से 44 जिलों में कोरोना फैल चुका है। कहां क्या स्थिति है इस पर नजर डालने की जरूरत है। सबसे ज्यादा मामले अब भी इंदौर में ही सामने आ रहे हैं और दूसरे नंबर पर भोपाल बना हुआ है, जहां अब मामले 1000 से अधिक हो चुके हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण प्रदेश के 52 में से 44 जिलों तक पहुंच गया है। जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले पहली बार सामने आ रहे हैं उनमें मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई गुजरात से तो कोई दिल्ली और महाराष्ट्र से लौटा है। दूसरे प्रदेशों से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला करीब 10 दिन से जारी है और अब नए मामले इन्हीं प्रवासी मजदूरों से जुड़े हैं। प्रदेश में शुक्रवार रात तक संक्रमितों की संख्या 4556 पर पहुंच गई। इनमें इंदौर में 2299, भोपाल में 961, उज्जैन में 284, जबलपुर में 168, बुरहानपुर में 122 मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 240 के पार पहुंच गई है। और बुलेटिन के आखिर में आपसे अपील कि प्रदेश में जहां भी आप प्रवासी मजदूरों को देखें उनके खाने पीने का इंतजाम अपनी सक्षमता के आधार पर कर सकते हैं। छतरपुर का एक क्रिकेट संगठन है जिसे DCCA के नाम से जाना जाता है। इस संगठन ने रविवार से ऐसी ही एक मुहिम की शुरुआत करने का ऐलान किया है। ये संगठन लोगों की मदद से ऐसे चलित श्रमिक सेवा केंद्र बना रहा है जिनमें लोगों की ही मदद से उनके द्वारा दान किए गए जूते, चप्पल, कपड़े और खाने पीने की सामग्री मौजूद होगी, जो सड़क पर चल रहे या विभिन्न वाहनों से अपने घरों की तरफ लौट रहे मजदूरों को बांटी जाएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। नमस्कार।